ना ही शिक्षा सिर्फ ज्ञान अर्जित करने का माध्यम रहा, ना ही शिक्षा सिर्फ सम्मान अर्जित करने का तरीका माध्यम रहा, बल्कि भारत में खास तौर पे अगर पिछले 2000 साल के इतिहास का आकलन किया जाए, इतिहास को समझने का प्रयास किया जाए, तो ये लगता है कि शिक्षा वास्तव में भारत में वर्चस्व का सबसे बड़ा साधन रहा है, वर्चस्व का सबसे बड़ा माध्यम रहा है। जिन लोगों के हाथ में शिक्षा रही है, जिन लोगों ने शिक्षा को नियंत्रित किया है, चाहे शिक्षा ली है या शिक्षा दी है, उन लोगों ने सम्मान भी अर्जित किया है, उन लोगों ने संपत्ति भी अर्जित की है, उन लोगों के लिए शस्त्र की कोई समस्या नहीं रही है, उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी संसाधन की फ्री एक्सेस रही है। इसलिए ये कहना काफी सेफ होगा कि भारत में शिक्षा वर्चस्व का माध्यम रहा है, भारत में शिक्षा ने एक प्रकार से पूरी की पूरी सोसाइटी को नियंत्रित किया। रोजी रोटी की व्यवस्था तो साथ में चलती रहती है, उससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कोई भारत में बहुत ज्यादा इस तरह की समस्याएं हमारे सामने नहीं रही है कि हमें यहाँ पे भूखा मरना पड़ा हो। भारत में भूख से मरने की समस्या अब आ रही है, अदरवाइज इतना यहाँ के लोगों को खाना मिलता रहा है कि वो भूख से मरे ना, क्योंकि उनसे गुलामी करानी है। इसलिए भूख कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी नहीं रही है। शिक्षा ने वास्तव में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण साधन के रूप में शिक्षा ने काम को किया है। इसलिए जब हम ये महसूस करते हैं, ये देखते हैं, आकलन करने का प्रयास करते हैं कि क्यों एक बहुत बड़े तबके लगभग 50% महिलाओं को उसमें काउंट कर लिया जाए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी जो है उनको अगर काउंट कर लिया जाए तो रफली 90% पॉपुलेशन को शिक्षा से डिबार किया गया, शिक्षा से वंचित करके रखा गया, जिससे कि वो अपने आप को इंसान ना समझ सके, अपने आप को ह्यूमन ना समझ सके, जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके मानवीय अधिकार हैं, जो उनकी मानवीय आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में सचेत ना हो सके। और फिर जो कुछ कहा गया, अभी हमने देखा कि बंदे जी पाली में उन्होंने हमें पंचशील देने का प्रयास किया, पंचशील बताने का प्रयास किया सॉरी, लेकिन पाली हमें से बहुत सारे साथी नहीं जानते हैं, पाली हमें से बहुत सारे साथी नहीं समझते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हजारों साल तक संस्कृत का वर्चस्व रहा, संस्कृत जानने वाले लोग रहे, जिन्होंने जो भी कुछ कह दिया किसी भी तरीके से उसका जो भी अर्थ है हमें समझ में नहीं आया, और हमें लगा कि शायद ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत विद्वत्तापूर्ण बात कह रहे हैं, इसलिए उनके आधिपत्य को स्वीकार कर लिया गया, उनके वर्चस्व को स्वीकार कर लिया गया। आप जब इस तरह की लैंग्वेज में बात करते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं भारत में और कुछ स्तर पर विश्व में ये माना जाता है कि आप विद्वान व्यक्ति हैं। आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे तो फिर सामान्य व्यक्ति होंगे। इसीलिए प्राकृत और पाली जो कि सामान्य बोलचाल की भाषाएं थी, उनको समाप्त करके एक लंबे षड्यंत्र के तहत संस्कृत को यहाँ की विद्वत लैंग्वेज बना दिया गया, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज बना दिया गया, और फिर वो बातें कही गई जो हमारे समझ में नहीं आ रही थी, हमारे विवेक और बुद्धि उनको नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको समझने दिया नहीं दिया गया। इसलिए शिक्षा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक निभाई। जब 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पहली बार भारत में लगभग 2000 साल के इतिहास के बाद शिक्षा के द्वार भारत के आम नागरिक के लिए और खास तौर पे महिलाओं के लिए खोलते हैं, तो यह अपने आप में युगांतकारी घटना है। इस घटना ने ना सिर्फ वर्षों से चले आ रहे वर्चस्व को समाप्त करने का प्रयास किया, बल्कि वो लोग जिनको हर मानवीय आवश्यकता से वंचित करके रखा गया था उनके लिए मुक्ति के द्वार खोल दिए। इसलिए सावित्री बाई को हम आज सिर्फ सावित्री बाई नहीं बोलते, बल्कि माता सावित्री बाई बोलते हैं, जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ने के लिए शिक्षा के द्वार नहीं खोले, बल्कि उन्होंने हमें इंसान बनाने के द्वार खोले। और ऊपर से
महानता ये है कि ये जो विद्यालय खोले गए, ये जो आंदोलन चलाया गया, ये लड़कियों के लिए चलाया गया। कुछ पुरुषों के लिए तो पहले से उपलब्ध था, कुछ पुरुष तो पहले से शिक्षा ले रहे थे, खासतौर पे जातिवादी साथी पहले से शिक्षा ले रहे थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। और फिर हम महिलाओं को, तो किसी भी जाति किसी भी वर्ग की हो, उनको शिक्षा नहीं मिल रही थी। इसलिए जब सावित्री बाई ने 1 जनवरी 1848 को विद्यालय की स्थापना भारत में की, तो वो 2000 साल के इतिहास की गलती को सुधारने का पहला कदम था। और उसी का आज परिणाम है कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी आधे से लगभग आधी संख्या यहाँ पे महिलाओं की, हमारे बच्चों की, हमारी लड़कियों की है। सब हम कहीं ना कहीं माता सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले की संतानें हैं। साथियों, सिर्फ एक छोटा सा वाक्य कह के अपनी बात को समाप्त करके दूसरे साथियों को मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं कि फूले दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, फूले दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। और उस समय का जो परंपरागत समाज था, उस समाज में अगर स्त्री माँ नहीं बन पा रही है किसी वजह से, या परिवार में बच्चा नहीं आ रहा है, तो माँ को जिम्मेदार समझा जाता था। सावित्री बाई फूले के परिवार पर भी, या खासतौर पर उनके पिता और माता ये दबाव डाल रहे थे कि बेटा दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करने के लिए दबाव डाला गया। ज्योतिबा फुले काफी इस बात से दुखी हुए और उन्होंने एक दिन अपने फादर से पूछा कि आप बार बार इस बात को कहते हैं दूसरी शादी करो, दूसरी शादी क्यों करें? कहते कि नहीं, एक यह शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि भाई बांझ। ज्योतिबा फुले पूछते हैं कि आपको कैसे पता है कि प्रॉब्लम सावित्री बाई फुले में है? ये सुन के उनके फादर सन रह जाते हैं और ज्योतिबा फुले कहते हैं कि ठीक है, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि दोनों का मेडिकल टेस्ट होगा, मेरा भी और सावित्री बाई फुले का भी। अगर सावित्री बाई फुले में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है, पैदा नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा, दूसरी वाइफ जो है घर में आके रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी मेडिकल टेस्ट होगा। अगर कारण ये रहा कि मेरे अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो फिर सावित्री बाई फुले की दूसरी शादी होगी और उसका हस्बैंड हमारे घर में आके रहेगा। फादर के पास कोई जवाब नहीं था, सारी बात भूल गए, दोनों के कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अपने आप को समाज को समर्पित किया। लेकिन आज बहुत गर्व की बात है, बहुत संतोष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले के करोड़ों बच्चे इस दुनिया में उनके आंदोलन को, उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और वो हम सबकी माँ है, वो हम सबके पितामह हैं। बाबा साहब ने उन्हें पितामह ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन कहा। माननीय कांशीराम साहब ने उनको इसी रूप में पूरी देश और दुनिया के अंदर स्थापित किया। साथियों, जो कारवा सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, उस कारवा को बीच में और बहुत सारे नायक नायिकाएं आए, बीच में और बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित करके उस कारवा को आगे बढ़ाया। और आज हम सब लोग भी उसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं।